keyfi açabiliyor. Welcome back to Minecraft. आज मैं फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ और मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि एक सरप्राइज है जो कि मैं इस वाले वीडियो में आपको लोगों को दिखाऊं। ऑलराइट गाइस, तो मैं जल्दी से माइन के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को वो चीज दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं ये देखो यहाँ के शुगर केन सब कुछ उग चुके हैं और आप लोगों को क्या दिखाना है, ये देखो मैंने यहाँ पर एक गोल्ड का प्रेशर प्लेट लगाया है और इसके अंदर देखो मेरे पास कितने सारे रिसोर्सेस है, इतने सारे 2 स्टैक तक आयरन। और ये देखो मुझे 2 और लामास मिल चुका है, वो एक वांडरिंग ट्रेडर से। और एक और चीज दिखानी है, ये देखो मैंने फाइनली चिकन्स को भी लाया है मेरे बेस पर। ओके, अब चलते हैं हम माइन के अंदर वो चीज आप लोगों को दिखाने के लिए। ओह, यहाँ पर तो रात होने वाले हैं, मैं जल्दी से जाकर सोता हूँ और कल सुबह मैं आप लोगों को वो चीज दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर तो सुबह हो चुका है, मैं जल्दी से उसके पास चलता हूँ जो मुझे आप लोगों को दिखाने और मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैं उसके पास पहुंच चुका हूँ और ये देखो गाइस, मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला था कल रात जब मैं माइनिंग कर रहा था। और ये देखो यहाँ पर 2 चेस्ट है और मैंने इस स्पॉनर को बस लाइट अप किया है और उस चेस्ट के अंदर तो मैंने नहीं देखा है, अभी मैं देखने वाला हूँ क्या है। ओ गाइस, मुझे फायर नेम टैग मिल चुका है और थोड़ी स्ट्रिंग्स, रुको मैं इसको ही तोड़ कर साथ लेकर जाने वाला हूँ। और इस अंदर मुझे एक सिल्क टच का बुक मिला और एक इसको भी मैं साथ में लेकर चलता हूँ। मुझे ये रेडस्टोन चाहिए, इसको देखो। अरे गाइस, तो आज मैं इसको एक एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसके लिए पहले इसके 3 ऐसे चाहिए और 3 इधर से भी चाहिए और मैं इस पूरे कोच के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ के सारे कॉबलस्टोन हटा दिए हैं। इसको करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा और अभी तो मुझे एक काम बचे हुए है, वो है इधर एक पानी का बकेट डालना। ये ब्लॉक नहीं चाहिए, इधर एक पानी का बकेट। अब ये देखो, ये इतने फ्लो होके आएगा, फिर मुझे इधर एक गड्ढा खोदना है। मैं ये सब कुछ करने के बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से। और हो गया, अभी तो बस मुझे 2 काम बचे हुए हैं। रुको, उससे पहले मैं ये तोड़ लेता हूँ इधर से। ओए, इधर एक पानी डालना इस कोने पे। रुको, मैं जल्दी से पानी का बकेट डालता हूँ और जब ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे वो लोग इधर से आकर इस पानी के फ्लो की वजह से इधर से नीचे गिरेंगे और वो इतने 4 हार्ट से वो बचेंगे। मैं जब उस तरफ होंगे मैं मेरे सॉर्ड लेकर इन लोगों को मार के उसका एक्सपी कलेक्ट कर लूँगा। ये ऐसे ये वर्क करता है। ये अभी एक काम बचे हुए है, वो है मुझे इधर जाकर यहाँ अंदर के सारे टॉर्चेस को निकालना। और मैं उधर चलता हूँ, को मैं कॉबलस्टोन लेकर ऐसे एक ब्रिज बनाकर उधर चलता हूँ ऐसे। और इधर एक और इसको तोड़ो। ये देखो गाइस, ज़ॉम्बी अभी के अभी स्पॉन होने शुरू किए। अरे ये तो मुझे मार रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। रुको, मैं इधर के सारे के कॉबलस्टोन को जल्दी हटा देता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बी से ये तो मुझे मार रहा है, जल्दी हटा लो। और अब देखना वो सब लोग इधर स्पॉन होके वहाँ नीचे जाएंगे। और इसको बंद करो और मैं जल्दी से नीचे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। रुको, मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ। अब हो गया, ये देखो मैं 3 ऐसे ये लोग मरते हैं और उनका सारा एक्सपी मुझे मिलेंगे, ऐसे ही ये काम करता है। और मैं जल्दी घर जाकर हॉपर और चेस्ट लेकर आता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर हॉपर और चेस्ट लेकर आ गया है। मैं जल्दी से इसके अंदर जाकर पहले इसको यहाँ
बंद कर देता हूँ ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ ना गिरे। यहाँ पर मैंने तो इसको बंद किया और अभी मैं ये चेस्ट निकाल कर इधर और यहाँ पर रखते हैं। फिर मैं इसके इसको तोड़ जल्दी और इसके पीछे जाकर मैं यहाँ पर एक हॉपर लगाता हूँ, इसके ऊपर चढ़ू और यहाँ पर एक हॉपर लगाऊ लगाऊ ये क्यों नहीं लग रहा जल्दी। अरे ये क्या है, तो मैं एक ब्लॉक नीचे चाल कर इसको लगाते हैं। अभी ओपन नहीं कर चुका, अभी लग गया। इसको तोड़ो और अब सभी के सभी काम हो गया। इसको बंद करो और जल्दी से बाहर निकलो। रुको मैं जल्दी से एक बार ऊपर चल कर आता हूँ। मुझे ऊपर से कोई स्लाइम का आवाज आ रहा है। किधर है स्लाइम? बहुत देर हो गया मुझे उसे उसका साउंड सुनने से। ये कहाँ पर है स्लाइम? स्लाइम इधर नहीं है, तो मैं उस साइड जाकर देखता हूँ। इधर भी नहीं है, फिर कहाँ पर है स्लाइम? वो तो कोई रुको इसके अंदर तो नहीं है ना, तो मैं जल्दी से इसे तोड़ कर देखता हूँ। इसके अंदर तो कोई स्लाइम नहीं है, तो टोटली सेफ है। देखो उधर नीचे ज़ॉम्बी है। ओ देखो कितने सारे ज़ॉम्बी आ गए एक बार में, तो मैं उसे छोड़ो, मैं जल्दी से नीचे जाकर इन सबको मार के उसके एक्सपी सेल करता हूँ। ओके गाइस, मैंने वहाँ से बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट किए हैं और यहाँ पर रात हो गई थी। मैं जल्दी से सोकर उठा अभी और मुझे कहीं से विच का आवाज आ रहा है। कहाँ पर है विच? रुको मैं देख, अरे इधर ही है विच। रुको इसे मार कर भाग कर इधर से। मार 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 मार, अरे इसने तो मेरे ऊपर वो पॉइजन डाल दिया ना। जल्दी से भागो भागो, ये क्या किया इसने? अभी तो मेरे हार्ट फुली रिस्टोर हो गए, अभी मैं जल्दी से जाकर उसे मारता हूँ। कोई पोषण मत फेंको, मारो मारो मारो। अरे इसने तो मुझे फिर से वो पॉइजन वाला इफेक्ट दे दिया। अरे गाइस, तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे करके फिर से मैं बच गया। रुको मैं इसके अंदर से वो कैरेट निकाल कर इधर मैं डालता हूँ। मुझे तो बस दो कैरेट में खाऊ मत। ओके अभी इसको निकालो, इधर कैरेट लगाओ। ओके ये तो मैंने लगा दिया, अब बस आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।